तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्राइम वीडियो की एक और नई सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका टाइटल रखा गया है द हॉरन ऑफ द डोलरेस रोज। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर तकरीबन 7 से 8 एपिसोड है। तो आज की इस वीडियो में इसी सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। इसके जितने भी एपिसोड है आपको एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ इसका रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ इसकी जितनी भी अपडेट है सारी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और कास्टिंग और साथ ही साथ फैक्ट जितने भी है सारे के सारे आपको बताए गए। तो वीडियो को लाइक कर दे और इसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई अमेजोन प्राइम वीडियो की नई सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये हाल ही में रिलीज़ की गई है और इसकी जो एक तरह से मेकिंग डिटेल है और सारी कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने टाइटल बताया, इस मूवी का है द हॉरन ऑफ द डोलरेस रोज। एक अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी हॉरर टेलीविजन सीरीज है जिसमें जस्टिन मार्चो ने प्रमुख भूमिका निभाई है। ये एक महिला के ऑफ बोर्ड नाटक एम्प नेड लोरकन और इसी नाम के पोस्ट प्रोडक्शन पर आधारित है जो कि आरोन मार्ग द्वारा बनाया गया है। ये रिलीज एक तरह से 7 जुलाई 2023 को प्राइम वीडियो पर की गई थी। साथ ही साथ ये एक ब्लैक कॉमेडी और हॉरर और साथ ही साथ कॉमेडी ये सीरीज है। ये बनाई गई है हारून मार्क द्वारा, साथ ही साथ ये आधारित है एम्प्लाइड लॉर्क नाटक पर, साथ ही साथ डोलरेस रोज का एक तरह से आतंक पॉडकास्ट पर। और मुख्य रूप से इसमें अभिनेता है जस्टिन मार्चोड और एल्चोन हॉर्नवेट और गीत अब्डेकली और के डार्क फिनेस आपको अभिनेता के रूप में इसमें देखने को मिले हैं। सिद्धार्थ खोखला और साथ ही साथ और भी कई कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों इनके बारे में और भी डिटेल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसका एक तरह से निर्माण जेम्स ब्लूज द्वारा किया गया है, साथ ही साथ इसी में और भी कई कैरेक्टर है जैसे कि गोल्डन ऑर्क्वेट, रोकन डॉन्स, साथ ही साथ इसी के साथ डॉन ऑस्टन। साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसका प्रोडक्शन टीन ग्रुप द्वारा किया गया है जो कि मुख्य रूप से आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ क्रू और साथ ही साथ इसकी एडिटिंग मुख्य रूप से की है रोलिन केलो ने और जॉन वेंस ने और एडविड वेंसन ने। प्रोडक्शन कंपनी अमेजोन स्टूडियोज और ब्लैक हाउस टेलीविजन और गिलमेट पिक्चर्स और गोलस स्टूडियो स्पॉटिफाई। साथ ही साथ मोन नेटवर्क ये प्राइम वीडियो पर आपको देखने को मिलेगी। इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 7 जुलाई 2023 को इसे रिलीज़ किया जा रहा है और डोलरेस रोज को 16 साल की अन्नपूर्ण जेल की सजा के बाद रिहा कर दिया गया है और वह अब सबवे वास्टिंग और हाइट एंड फोर्स में लौट आई है। वह एक पुरानी हथियारा एक तरह से पत्थरबाज दो सॉल्यूशन के साथ फिर से मिलती हैं जो उसे अपनी कंपनाइट दुकान के नीचे तहखाने में मालिश करने वाली के रूप में काम करने देती है। जब उसकी नई स्त्री के वादे को खतरा होता है तो उसे जीवित रखने के लिए चरम सीमा तक जाना पड़ता है। साथ ही साथ डोलरेस रोज के रूप में जस्टिन मार्चोड आपको देखने को मिली है और लुइस बासिन के रूप में रोल चैट हॉन्डेट, साथ ही साथ नेल्ली मॉरिस के रूप में कीता एड क्लाइड और जॉर्मियन के रूप में के ट्रॉम क्रिम्फन, साथ ही साथ कोल प्रोशन के रूप में मार्क मैरन और मार्सी के रूप में जूडियल रेशियन और जोरन के रूप में जीनियुक और जेफरी शेल्पा और कैलबर्स के रूप में रोटी के रूप में सिटी लॉवर। साथ ही साथ एपिसोडों की बात की जाए तो तकरीबन इस सीरीज में 8 एपिसोड हैं। 7 जुलाई 2023 को एक साथ इसे रिलीज़ किया गया है। 6 मई 2020 को ये बताया गया था कि ब्लैक हाउस टेलीविज़न अमेजोन स्टूडियोज़ के विकास में एक नाटक श्रृंखला के रूप में द हॉरन ऑफ डोलरेस रोज और एक जिमलेट मीडिया एक तरह से प्रोडक्शन के अनुसरण है। दारा रेशन शर्त और पॉडकास्ट के निर्माता और मार्क के साथ करते हैं, साथ ही साथ डेफिनेट रूबी वेंस ने भी अभिनय किया है जिसके मार्क ने बाद में
पॉडकास्ट में रूपांतरित किया है जिसे रॉबिन वेग भी थे। अमेजॉन स्टूडियोज ने जून 2021 में रिलीजिंग के लिए एक पायलट ऑर्डर दिया था और इसी के चलते चलते मुख्य रूप से इसे 3 फरवरी 2022 को ये बताया गया कि अमेजॉन ने इसे एक सीरीज का ऑर्डर भी दिया है। साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो 8 एपिसोड की श्रृंखला का कार्यकारी निर्माता मार्क रेशन और रूबिन वैन और जेम्सन ब्लूड और साथ ही साथ जेरियन गोल्डन भी हैं। 3 फरवरी 2022 को ये बताया गया कि श्रृंखला मैजिस्टर मार्चोड और एल्चोड नॉर्डेन क्रित और एबडिन डॉर्क और अभिनय करेंगे। 29 जुलाई 2020 को ये घोषणा की गई कि मार्क मोरन जीन यू और जूडी रेशन और जेफरी सेल्फ आवर्ती भूमिकाओं के कलाकारों में शामिल हो गए हैं और 1 अगस्त 2022 को ये बताया गया कि सीडी लॉपर पर आवर्ती स्थिति भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए हैं। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो पहले 3 एपिसोड का प्रीमियम 15 जुलाई 2023 को ट्रीबैक फिल्म फेस्टिवल में किया गया था। और दोस्तों इसी के साथ हम जानते हैं इन सभी के बारे में और भी डिटेल और साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई सीरीज रिलीज हुई है उन सभी के बारे में बैक टू बैक आपके लिए डिटेल लेकर आते रहेंगे। तो इसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इसका डेवलपमेंट कई तरीके से किया गया था। प्रोडक्शन एक तरह से 6 मई 2020 को ये बताया गया कि ब्लॉक हाउस एक तरह से टेलीविज़न अमेजन स्टूडियोज़ के विकास में एक कॉमेडी हॉर एंड डेल्शन रोज का निर्माण कर रहे हैं। अमेजन स्टूडियो ने इसे रिलीज़ किया और 8 एपिसोड की श्रृंखला का निर्माण हुआ और 3 फरवरी 2022 को ये बताया गया कि श्रृंखला में जीएस मार्चन और एल्चर्ड वार्ड कितने अपराइड के रूप में देखने को मिले। तो दोस्तों अब हम इनके बारे में और जितनी भी डिटेल हो रही है यानी हमारे पास प्रोवाइड है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को दबाकर लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। तो दोस्तों अब हम एक एक कर इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन सभी के बारे में एक एक कर डिटेल जानेंगे। साथ ही साथ और भी कई अपडेट हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी और रिलीजिंग के बारे में भी हमने कई अपडेट जान ली थी। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इस मूवी में जो कैरेक्टर देखने को मिले हैं सबसे पहले जिनका नाम है एक तरह से जस्टिन मार्चलोड। जी हाँ दोस्तों, जस्टिन मार्चलोड एक अमेरिकन अभिनेता है और साथ ही साथ इनका जन्म 6 दिसंबर 1972 को हुआ। इनकी उम्र 50 साल है और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में ये 1993 से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन काम किया है। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में और भी कई डिटेल मैं आपको बताता हूँ। रीड बॉल एंड वेड एट मुख्य रूप से इन्होंने बनाई है। साथ ही साथ एच बी ओ ड्रामा 6 फीट अंडर में वेशन डी एन और यू एस आई ड्रामा क्लीस ऑफ द साउथ में ब्रेड में भी बनाई है। इसी के साथ दोस्तों और भी कई अपडेट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रारंभिक शकल के बारे में बात करते हैं इनके और साथ ही साथ किस प्रकार से ये सक्सेस हुए इन सभी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मार्चोड का जन्म शिकांगो इलिनोशिया में हुआ जो कि एल्डिस मॉडरेट रूड और स्मॉल मॉर्चन के 2 बच्चों में से एक थे। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम अब इनके बारे में भी जान चुके हैं और थोड़ी और डिटेल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करते हुए आप आगे बढ़े हमारे साथ और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। मार्चोड का जन्म शिकांगो इलिनॉइस में हुआ था जो बेल्चन मोरेरूस और इस्माइल चोर्डन के 2 बच्चों में से एक थे जैसे कि मैंने यहाँ तक बता दिया था। और मार्चोड नाटक में बहुत सक्रिय थे, हमेशा अपने स्कूल के नाटकों में भाग लेते थे और उन्होंने क्रेफिन ई और फ्राई आर्ट और नाटक में भी भाग लिया। 1986 में मार्चोड ने लेन टेक्निकल कॉलेज प्री लाइव स्कूल में पढ़ाई की। अपने खाली समय के दौरान उन्होंने
लेटियो स्क्रीन थिएटर कंपनी के साथ प्रदर्शन किया। मार्च ऑफ पी एफ बी के ऑसमेट शो और फाइंडिंग योर रॉकेट की सीजन 6 के एपिसोड 6 में दिखाई देने वाली इस थिएटर से स्थिति थी जिसे डॉक्टर हेनरी लुईस और गोर्डन जूनी द्वारा होस्ट किया गया था, जिसके द्वारा यह पुष्टि की गई कि उनके पास अफ्रीका मर्दवंशी और वंशावली साथ ही साथ उसके माइक्रोडियंस के अनुवंशी के परीक्षण के माध्यम से है। साथ ही साथ 1990 में डेंटेक के स्नातक होने के बाद मार्चर्ड न्यूयॉर्क शहर चले गए और लेटिगो सिकांगो थिएटर कंपनी में एक कलाकार के रूप में उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। उसे शहर में उनके दरवाजे खोलने में मदद की और जल्द ही उन्हें लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया में एक पेशेवर अभिनेत्री के रूप में नौकरी की पेशा की गई और मार्चर्ड लॉस एंजेलिस चले गए और 1986 में उन्होंने पहली बार दो अभिनय भूमिकाएं निभाई। उन्होंने टीवी श्रृंखला एंड बेव्यू एपिसोड 331 में एल्सन के रूप में भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों 10 जून 2001 को मॉर्चर ने टीवी श्रृंखला 6 फीट अंडर के लिए ऑडिशन दिया। उन्होंने वेशन डिजाइंस के रूप में एक तरह चुना गया जो कि मूल रूप से एक सहायक पात्र थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इन्होंने मुख्य भूमिका कई जगह निभाई जो कि बाद में श्रृंखला के मुख्य पात्रों में से एक बन गई। मॉर्चेंट उनके कलाकारों और नाटक श्रृंखलाओं में एक समूह द्वारा उत्कर्ष प्रदर्शन के लिए स्क्रीन आर्ट्स गिल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया और श्रृंखला ने अपना अंतिम सीजन 2005 में पूरा किया। वे कनाडियन टेलीविजन श्रृंखला 180 मिशिंग से सनी स्टार्ड नाम की एक चित्रण के रूप में दिखाई दी और 2009 में वे इलाय से श्रृंखला के 9 एपिसोडों में शिकांगो पुलिस अधिकारी और क्राउडिंग डिजाइन के रूप में दिखाई दी और बॉडी ऑफ द फ्रूज में खलनायक एमी बोजन के रूप में दिखाई दिए और ब्रैडविन मैडन्स में जून की बहन इना के रूप में दिखाई थी और मार्टिन के यूएसए अपराध ड्रामा श्रृंखला क्वीन ऑफ द साउथ में ब्रैड के रूप में भी दोहराया गया। वन डे एट द टाइम के रीमेक में मॉर्चन को 2 बच्चों की परवाही करने वाले अफगानिस्तान के सेवा करने के बाद फिटियंस में जूझने वाले एक माँ की भूमिका का सकारात्मक समीक्षा मिली। इसके लिए उन्होंने मॉर्चन ने सीडीयू नाटक निभाने की शुरुआत की। मॉर्चन ने एनबीसी कॉमेडी श्रृंखला सुपरस्टोर में नए जिले की प्रबंधन माया की भूमिका निभाई जिसके साथ एमी मोशन का आश्चर्यजनक संबंध है। स्टूडियोज ऑडिशन के पहले लाइव इन फ्रंट में जीवन भाग में फ्लोरी जॉर्डन चित्रण के लिए घोषणा के बाद इसके बजाय मालगिरी से इसे दोहराया और ऑल इन द टीरिस पैटर्न के दूसरे रूप में संस्करण में लिया गया था और 2 सितंबर 2020 को मॉर्चन को डांसिंग विद द स्टार के लिए 29वें सीजन और पेशावर डांसर और पेशर फॉरवर के रूप में प्रतिस्थापित करने वाली मशहूर स्त्री में से एक के रूप में घोषणा की गई और मॉर्चेंट 30 नवंबर 2020 को 4th सीजन पर रहा और 2021 में मॉर्चेंट मेटन ऑर्डन मिशन में एक गायक प्रीतन थी और मॉर्चेंट ने 15 से भी अधिक फिल्मों में भाग लिया है। उनकी अब तक की सबसे उल्लेखनीय भूमिका है सीजा सो लवकी और मार्मेंट रेडी और फाइनलाइजेशन 2 और इस पोल हाउडिंग है। साथ ही साथ इन द इलेक्ट्रॉनिक मिस्टर MBIM एजेंट रोजी गुर्जन है। मॉर्चन ने एक तरह से मंच पर भी प्रस्तुति दी थी जिसमें 2008 में लॉस एंजेलिस के गोल्फ लॉर्ड नील टाउन के नाटक सम गर्ल्स का निर्माण भी शामिल है। वे लॉस एंजेलिस के मार्क टेम्परफोर्ड में ब्लेड 2 ही ब्लैक फ्रंटियर के प्रस्तुति में थी और वह डॉर्बन के इन हाइट एडियंस के ब्रंस की पहली स्थापित थी। 2010 में मॉर्चन लॉस एंजेलिस लव और आर्ट इन लव में मुख्य रूप से दिए गए और इसी के साथ इन्हें भी इसमें लिया गया। साथ ही साथ दोस्तों 2003 में मॉर्चन DLC के गीत डायमंड्स के संगीत वीडियो में दिखाई दी जो उनके 4th स्टूडियो एल्बम 3D का 3रा एकल था जिसमें एक युवा महिला एक अपमानजनक रिश्ते में फंसी हुई थी और उसे पता नहीं था कि उसके जीवन के साथ क्या करना है। साथ ही साथ 2020 में जैके गोर्बनस्टीन मॉर्चन के रूप में देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से ये मास्टर ऑफ जनरेशन में देखने को मिली। फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं इनकी फिल्मोग्राफी किस प्रकार थी। दो एक तरह से 1997 में सी इज सो लवली और साथ ही साथ 1948 में द वीक डैट कल डैट। साथ ही साथ 1999 में स्लोवर्स और फ्लोइंग
पुल्स 2001 में, ट्रोंगन फ्लेयर्स 2002 में, साथ ही साथ फुल फ्रंट एंड साथ ही साथ 2003 में, फाइनल डिस्टिन टू और टोरक्यू साथ ही साथ 2004 में, एंग्लोरियन लेगेंड ऑफ दारियन ब्रूनिंग साथ ही साथ, लिटिल फ्रू नाइट और आई थिंक आई लव माई लाइफ साथ ही साथ, द एक्सीडेंटल हस्बैंड साथ ही साथ, ब्रिस्टन पम एज द ब्लीडिंग और मैन माइंड और साथ ही साथ, पीडेंस इन द इलेक्ट्रिक मिशन और द थॉट वर्ड्स 2012 साथ ही साथ, द कार्ल 2013 इंड एंड गेम 2014 और साथ ही साथ, द प्रोगन एल्कस 2014 साथ ही साथ, आर थॉट नाउ और रेन मोर्टन जस्ट ए गर्ल हाउ डिसाइडेड टू फॉर इट और साथ ही साथ, विथ आई वॉल्यूम वन और द आइस एज एडवेंचर ऑफ द बक डील 2022 साथ ही साथ, बी ए बी सी आफ्टर स्कूल स्पेशल 1993 मास्टिंग प्रोशन साथ ही साथ, सेकेंड नॉर्थ और नो वन वुड टेल 1986 इरल 1993 साथ ही साथ, और भी कई टेलीविजन शोज में ये देखने को मिले साथ ही साथ दोस्तों। इसी के साथ थॉट माई ए एंगल्स 1948 साथ ही साथ, एंगल 2000 साथ ही साथ, और भी कई भूमिकाओं में देखने को मिली साथ ही साथ दोस्तों। इनके बारे में अभी इतनी ही डिटेल है साथ ही साथ दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। और वॉइस ओवर इन्होंने इल्टी ऑफ द ऑलवर 2016 से 2019 तक किया। तो दोस्तों अब अगले एक दस कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है के टॉल फ्रीमैन। केनेड टॉन फ्रीमैन्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। 8 जुलाई 1965 को इनका जन्म हुआ और एक अमेरिकन अभिनेता है और अपने करियर के दौरान इन्होंने टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। एक ड्रामा डेक्स पुरस्कार जीता इन्होंने ग्रोस पॉइंट प्ले 1997 और द साइडर हाउस रूल्स 1999 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। साथ ही साथ बर्फी द वैम्पायर स्लेयर 1948 और 1999 में एक प्रमुख भूमिका निभाई और ए सीरीज ऑफ द एंचोर्ड ए नियंत्रण श्रृंखला में भी एक घटना 2017 से 2019 में देखने को मिली। साथ ही साथ केथन टॉम फ्रिंस 9 जुलाई 1965 को, इनकी उम्र 58 साल हो चुकी है। साथ ही साथ ह्यूस्टन टेक्सास में इनका जन्म हुआ। फायरमैन 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया स्कूल ऑफ आर्ट में स्नातक होने से पहले प्रदर्शन के दशक के कलाकार के लिए उपस्थानीय हाई स्कूल गई और फायरमैन में 1983 के शिकागो ऐतिहासिक स्पोर्टिंग थ्रिलर कंपनी के बाद समूह में रहते हुए देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इन्हें रंग भेद नाटक द सॉन्ग में उनके प्रमुख प्रदर्शन के लिए नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं को टॉम पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और जैगवन ब्लूज हाल ही में फैशन से पहले उत्तरी अमेरिका दौरे में शिकागो और बोर्डन परिस्थितियों में डीकैन के डॉक्टर टेनमोड की भूमिका निभाते हुए नजर आई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और फैशन 1983 में शिकागो एल्सन थिएटर कंपनी में एक समूह सदस्य रहती हुई देखने को मिली। इन्होंने इडजेट 1996 और ग्रोस पॉइंट ब्लैंक 1997 और द साइडर हाउस रूलर्स 1999 और द डार्क नाइट 2008 जैसी विभिन्न फिल्मों में सहायक भूमिका भी निभाई है। टेलीविजन पर उन्हें बर्फी द वैम्पायर स्लेयर में मिस्टर टेन की आवृत्ति भूमिका अर्जित किए। उन्होंने स्टेप ब्लूज थिएटर कंपनी के डाउन स्टेप प्रोडक्शन में प्रदर्शन किया है जिसका प्रदर्शन 18 नवंबर 2018 को समाप्त हुआ। उन्होंने स्टेप वैल्यूज थिएटर कंपनी के डाउनलोड प्रोडक्शन में प्रदर्शन किया जिसका प्रदर्शन 10 नवंबर 2018 को समाप्त हुआ। उन्होंने 2017 के नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज ऑफ द एनफ्लूज इवेंट में मिस्टर पो की भूमिका निभाई। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो 1992 में एंगल इन द अमेरिका, साथ ही साथ 1993 में द सॉन्ग ऑफ द जयपॉग जुल, साथ ही साथ फन ले ओवर द कुकीज नेस्ट 2001, साथ ही साथ फीटी क्लेस मैंने 2013, विगड 2014, साथ ही साथ एयरली हाईवे 2015। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2000 के अंदर द मिनट साथ ही साथ डाउ स्टार 2023 में भी ये देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ फिल्मोग्राफी स्टीन हंटर 1990 में, साथ ही साथ
रिकार्ड गुनिस क्राड में, जेफरी 1995 में, साथ ही साथ द ग्रीडी हाउस रूल्स में भी आपको देखने को मिली, साथ ही साथ नेकेड सीग्लेस 2021 में, साथ ही साथ टेलीविजन के अंदर ए डिफरेंट वर्ल्ड 1991 में, द किलिंग माइंड 1991 में, साथ ही साथ ब्लू किंग ब्रांड में भी आपको देखने को मिली है, साथ ही साथ 1986 में सिस्टर्स, साथ ही साथ इसी के साथ मोस्ट डेंजरस मैन और द इंग्लिश, साथ ही साथ द हॉरर ऑफ द डॉली ऑफ द रिच में भी अभी जिस मूवी के बारे में जान रहे हैं इस मूवी में भी देखने को मिली। अवार्ड्स के बारे में बात की जाए, टॉय अवार्ड, ड्रामा अवार्ड, साथ ही साथ ड्रामा डेक्स अवार्ड 2000। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक और नई सीरीज के बारे में और जानने वाले हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो कॉमन है तो इसलिए वो इसमें कवर हो सकती हैं, जिस सीरीज का नाम है लो एज ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, ये एक अमेरिकन सीरीज है और साथ ही साथ पुलिस प्रक्रियात्मक और कानूनी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जो कि डिक विल्स द्वारा बनाई गई हैं और विल्स एंटरटेनमेंट और यूनिवर्सल टेलीविजन द्वारा वितरित की गई है, जो लो एंड ऑर्डर फ्रेंचाइजी की लॉन्च करी हुई हैं। मुख्य रूप से इसे बनाया है डिक विल्स ने और अभिनेता जो ड्यूकन, क्रिस थॉम्स, डैनी फ्लोर, माइकल मॉडी, रिचन ब्रू और भी कई कलाकार हैं, लगभग 25 से 30 कलाकार आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिले हैं। साथ ही साथ थीम सॉन्ग इसके बनाया है माइकल पोस्ट ने और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में से रिलीज किया गया है। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है अभी है, और इसकी भाषा की बात की जाए तो इंग्लिश में इसे बनाया गया है और सेक्शनों की बात की जाए तो 22 सेक्शन आ चुके हैं। टोटल मिलाकर 448 एपिसोडों का एक तरह से समूह है। डिक विल्सन कार्यकारी निर्माता है, जो फिल्म स्टीव 1990 से 1983 तक। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इस सीरीज के पहले कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है चिरिस नॉट। चिरिस नॉट का इनका पूरा नाम है क्रिस्टोफर डेविन नॉट और इनका जन्म 13 दिसंबर 1955 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है, इन्हें लो एंड ऑर्डर 1990 से 1985 और बिग ऑन सेक्स एंड द सिटी 1948 से 2004 तक देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस भी हर एपिसोड में बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली है और NYFD के साथ साथ ही आपको और भी जगह देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसी साथ मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दें। सीरीज के बारे में बात की जाए तो 7 जुलाई 2023 को इसे प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर उतारा गया और इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। IMDb और रेड टोमेटोज की रेटिंग बहुत ही बेहतरीन है और साथ ही साथ ये एक कॉमेडी हॉरर सीरीज है, इसलिए इसे लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर जिस्टिन मार्चोड और साथ ही साथ एलरोज हॉर्डन और किती एबडन और डॉर्फोनिस भी आपको देखने को मिले। ये चार बड़े बड़े कैरेक्टर आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ इसका टीजर ट्रेलर आउट हो चुका था पहले ही, आप उसे देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी दमदार और कितनी बढ़िया ये एक तरह से सीरीज है। यदि आपको इसे देखना हो तो प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है और अब इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ NYPD डेक्स माइक लॉगन्स के रूप में उनके नाटकीय भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से क्रिस्टोफर डेविन नॉर्थ इनका नाम है, 13 नवंबर 1955 को इनका जन्म हुआ और 58 साल की उम्र है। वॉशिंग USA में इनका जन्म हुआ। मारबोर्न कॉलेज से BA ये ग्रेजुएट है और ये तो विश्वविद्यालय MF से एक तरह से ग्रेजुएट है। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और 1981 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इनके जीवन साथी तारा विल्सन 2012 में, इनके दो बच्चे हैं। नॉर्थ ने लो एंड ऑर्डर किस्टोन रिटर्न 2005 से 2008 में माइक लॉगन्स की भूमिका दोहराई हैं और सेक्स एंड द सिटी 2008 और सेक्स एंड द सिटी 2 2010 फिल्मों में विक्स की अपनी भूमिका को दोहराया है। उन्हें 1999 में सेक्स एंड द सिटी और 2010 में गुड वाइस के लिए टेलीविजन पर सबसे सहायक अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया है। नॉर्थ ने CBS पर द क्यूलिचर के 2021 के अनुरोधन के पहले सीजन में अभिनय किया है और एंड जोस लाइक डेट सेक्स एंड द सिटी पुनर्धन में दिखाई दिए हैं।
साथ साथ दोस्तों प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो नॉर्थ का जन्म 13 नवंबर 1955 को मेडिसिन विक्सटन में हुआ। वह समाचार रिपोर्टर जीन पार्क और 1924 से 2016 के बीच में घर 3 लड़कों में से एक छोटी थी और परिसी बिश्नोई की महिला पहली मंगिया संवाददाताओं में से एक थी और अपने स्वयं के CBS टॉक शो द जीन पार्क शो में मेजबानी थी। उनके पिता चार्ल्स जेम नॉर्थ 1922 से 1986 में थे जो कि एक मोर्टिंग कंपनी के उपाध्यक्ष थे और टीम एजेंट और द्वितीय विश्व युद्ध में नौसैनिक एजेंट थे और इनसाइड के रूप में कार्य कर रहे थे और साथ ही साथ एक धनी परिवार में से थे और उनकी माँ के पास एक आयरिंग वंशावली थी जो कि काउंटिंग केस में नॉक ब्राउंस में मिली है। जब नॉर्थ 5 साल के थे तो उनका परिवार स्टीफन केटिन बस गया और नॉर्थ केटन में पले बढ़े जबकि उनके माता पिता न्यूयॉर्क शहर में काम करते थे। साथ ही साथ जब नॉर्थ ने एक पड़ोसी की कार को आनंद के शिकार के लिए ले गए तो वहाँ दूसरे पड़ोसी के घर में घुस गई और उसकी माँ ने उसे एक ओलर बोर्ड बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जहाँ पर उनके अपना पहला साल 1986 से 1988 बताया। साथ ही साथ नॉर्थ ने वॉटन में मार्बल कॉलेज में पढ़ाई की। मोरबोलो कॉलेज से पढ़ाई की मूल रूप से एक लेखन या कवि बनना चाहती थी लेकिन उन्होंने शास्त्रीय प्रमुख शिक्षा प्राप्त की और अंग्रेजी साहित्य थिएटर में विभाग में काम करते हुए नजर आई। साथ ही साथ दोस्तों इस इंडस्ट्री में ये बहुत लंबे अरसे से देखने को मिली है और एडवर एल्बी द्वारा जूरी स्टोर के निमंत्रण में अभिनय करते हुए नजर आई है। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने 1998 के अंत में शुरू होने वाली मुख्य भूमिकाओं में भी अपना अभिनय किया है जो कि आपको देखने को मिली थी। स्टीफन मीटन के साथ अध्ययन करने के बाद मुख्य रूप से ये ग्रेजुएट हुई और साथ ही साथ इनकी अपनी एक तस्वीर छापने के बाद नौता निष्कृष्ट कर दिया गया और इन्हें स्टीफन एडन के साथ स्क्रीन सेशन का अभिनय किया। साथ ही साथ नॉर्थ ब्रोडन से बाहर किए गए और 5 साल तक एक दर्जन अलग अलग रेस्तरां में एक बुरे वेटर रहे। साथ ही साथ रियल स्कूल ऑफ ड्रामा के पढ़ाई के दौरान नॉर्थ ने 25 से अधिक नाटकों में अभिनय किया। दिन के दौरान कक्षाओं में भाग लिया और रात में नाटकों में अभिनय किया। साथ ही साथ 1984 से द न्यूयॉर्क टाइम ऑफ फ्रेकर रिचर ने लिखा कि वह वुलियन से राजनीति व्यंग्य और A+ ऑफ जोंट के विश्व प्रीमियर में सहायक कलाकारों में से एक जोनथन में थे और 1985 में जोनथन ने रेडी रिटेड थिएटर में किडन रेड और की भूमिका निभाई। नोटे के तीसरे वर्ष तक उन्होंने एक एजेंट के साथ अनुभव किया जिसमें उन्होंने पैंडर बहन की द होस्टेज में वाइफ एंड प्रोडक्शन में देखा और नॉर्थ एडचुटकेशन की 3 स्टेशन विलियन प्रेरकन की प्रेक्षण प्रिंस ऑफ टैर में वेटेन में थी। 1985 में MS से स्नातक होने के बाद नॉर्थ ने अपने एजेंट से कहा कि वे टेलीविजन नहीं करेंगे क्योंकि थ्रिलर सार्गेट में चाहते थे। ठंड में उन्होंने उनकी प्राथमिक से लॉस एंजेलिस की बजाय न्यूयॉर्क में रहने के लिए निर्णय को सूचित किया। हालांकि भूमिका धीमी गति से मिल रही थी तो उन्होंने निर्णय लिया कि जीवित रहने के लिए वह टेलीविजन पर एक तस्वीर निर्भर रहेगी। साथ ही साथ 1986 में LA टीवी श्रृंखला ही स्टीन ब्यूज पर काम करते हुए नजर आए। नॉर्थन ने सुना कि वह जो केली नेशनल स्टॉफन में अमेरिकन सॉफ्टवेयर महोत्सव में हेमलेट की निर्देशन करेगी और शीर्षक भूमिकाओं में सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया। साथ ही साथ 1989 में नॉर्थन ने विलियन कैथन के उपन्यास ओ पैनिस के दौरान क्यूटन के रूप में बेहिशन थाउन और स्टीफन द ब्रिग्स फिशवन में भूमिका निभाई। साथ ही साथ द राउंड ब्राउड थिएटर में सर्जे रेफन के रूप में दिखाई दिए। 1997 में नॉर्थ ने LBC स्टूडियो थिएटर में ना पेन एक्ट प्लेस 20वें वार्षिक उत्सव में रोमिस लियंस के नाटक पैटर्न में एक और ओपरेन संगीतकार की भूमिका निभाई। साथ ही साथ इसी के साथ अधिक किरदारों पर जोर डाला। साथ ही साथ नॉर्थ ने 2002 में UG ऑनली थिएटर सेट में वार्षिक नाटक सम्मेलन में ली इनके नाटक क्लोड मंच पर प्रदर्शन किया। 2000 में नॉर्थन ने अपने बोर्डिंग डेब्यू और गोरम विड 1960 के दशक में द बेस्टमैन के अनुरोध में वर्जिन थिएटर में संगठन वाले सिनेटन जोसन के उनके रूप में किया। साथ ही साथ इसी के साथ 2002 में फ्लेटर हॉर्जन में क्रिस्टोफ वेन के नाटक व्यूट और निट रॉट हेम्जन में प्रीमियम हुआ। नॉर्थ ने 2005 में एक अन्य गौर विडिन नाटक 1961 के नाटक ऑफ द मॉर्स टू द सी में पुनरुद्धांतन में मंच करना था उसकी भूमिका निभाई जिसमें ड्यूटी स्कूल में
थिएटर रिव्यूज द्वारा प्राप्त किया गया। उनके चित्रण और समीक्षाओं के अनुसार कुछ ही युद्ध में थके हुए थे और साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से पूरी भूमिका इन्होंने निभाई। और मार्क्सर थिएटर फेस्टिवल में डेविन मॉर्गन और ऑप्शन के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। 2008 में नॉर्थन ने अटलांटिक थिएटर कंपनी पर मंचित व्यू फिल्म्स के रूप में अभिनय किया। इस नाटक का विश्व फिल्म 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय चुनाव के बाद सप्ताह में हुआ। और न्यूयॉर्क टाइम्स के आलोचनाओं पेन ब्रेटन ने लिखा कि उन्होंने मिस्टर चौथ के थके हुए मूर्ख कठोर स्वभाव वाले पूर्ण आनंद लिया है। साथ ही साथ 2011 से नॉर्थ ने 2092 में नॉट एशियन चैंपियनशिप अवार्ड पुनरुद्धान में फिल्म रोमांस की भूमिका निभाई। नॉर्थ ने इंडोनेशिया में मंच बजट वाली 1948 की फिल्म पेल्यू डेन विनियस में अपनी पहली अभिनय भूमिका से पहले स्टोन 1982 और बेरबी बूम 1997 सहित फिल्मों में छोटी भूमिका निभाई। नॉर्थ ने 1948 में कानूनी फिल्म ड्रामा संघ लल्लो एंड ऑर्डर के लिए एक पायलट की भूमिका निभाई थी, जो कि एक तरह से सुपरहिट बनाने में इनके हाथ बटोरने में काम में आई। 1985 में सिडनी साउथ के उपन्यास यथिंग लॉस्ट एंड फॉर में CBS मिनी सीरीज रूपांतर में नॉर्थ सहायक भूमिका निभाते हुए नजर आए। 1948 से 2004 तक नॉर्थ ने HBO के सेक्स एंड द सिटी में किरण बोर्टन के बार बार बॉयफ्रेंड की भूमिका निभाई और इसी भूमिका ने नॉर्थन को एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में स्थापित किया। 2005 से 2008 तक नॉर्थ और लो एडर किसने स्टैन में माइकल लोस की भूमिकाओं में लौट आए और इनके साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। साथ ही साथ 2005 में रोम कॉलेज के फिल्म फेस्टिवल में जुड़े और CBS संगला द गुड वाइस 2009 से 2016 में जोत ने जूलियन मुर्गिन पर चित्र शीर्षक चित्रण की उपनीति का पुनर्निधान और पति ब्रिटेन की भूमिका निभाई। 2012 में नॉर्थ ने डिस्कवरी कनाडा और इन्वेस्टिंग डिस्काउंट के लिए टोरन और इलावड़ी मीडिया द्वारा निर्मित गलत संयोजों के बारे में 6 भाग की अपराधी वृत्ति श्रृंखला आई डी नॉट यू सुनाई में काम किया। 2013 में उन्होंने फिल्म एलवेंस डीप जॉर्डन में फाइनेंस एंड थीन रोमेंस की भूमिका निभाई। 2014 में नॉर्थ ने एक उम्रदराज व्यक्ति वेंदर के दामाद की भूमिका निभाई फिल्म एशियन एंड द फ्रेंड क्रिस्टोफियन प्लेम पर। और 2015 की फिल्म आफ्टर द व्यू में नॉर्थ ने के ऑस्टिन फैशन कंपनी के प्रमुख भूमिका में देखने को मिले। 2016 से नॉर्थ अमेरिका जनरल विलियम कोस्टन की नियमित भूमिका में FMX वोस 21 से टेलीविजन स्टूडियो द्वारा निर्मित श्रृंखला टाइनेट के तीसरे सीजन में शामिल हुई, जो कि काल्पनिक माध्यम पूर्व और देश के आंतरिक राष्ट्रीय शौर्य सहायक प्रदर्शन करती है, जो एक सामाजिक लोकतंत्र शुरू करने की कोशिश कर रहा है। और नॉर्थ ने पहले थेरेटिक एपिसोड की समीक्षाओं में जनरल कोरिगिन की तुलना में द गुड वाइस में उनके पीटर क्लोरिस को चित्रण से किया। और एपिसोड प्रसारित होने से पहले एक साक्षात्कार में नॉर्थ ने कहा कि वे मिस्टर बिग या पीटर फ्लोर से मिलने जाते हिस्से में काफ़ी हद तक पूरा कर चुके हैं। अपने 3 टीवी शो वर्षों में अच्छे लोगों की भूमिका निभाने के बाद वे अपनी गहरी भूमिकाओं की रुख कर रहे हैं। नॉर्थ ने 2016 की फिल्म वाइट गर्ल्स में एक घटित वकील की भूमिका निभाई और 2016 की फिल्म वॉर्निंग मैन फॉर नॉर्थ में एक प्रोम्पियन ऑफिसर उपन्यास के चित्रण की। हॉलीवुड रिपोर्ट्स में उनके चित्रित भावना वाले चित्रण को दिलचस्पी बारीकी से भरा। साथ ही साथ 2017 में नॉर्थ ने डिस्कवरी चैनल की श्रृंखला एटन भूषण में NBC की डॉर्क मैरकोस की भूमिका निभाई। साथ ही साथ इसी के साथ ये मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। और साथ ही साथ एपिसोड प्रतिक्रियात्मक नाटक गोन और FBI एजेंट फॉर नोवन की भूमिका निभाई। न्यूयॉर्क पोस्टमॉन की समीक्षाओं में लिखा नॉट जो कि हमेशा विश्वसनीय यह ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रत्येक कहानी की सैर करने को और फिर बहुत सारे ऑर्डर देने के अलावा उसके साथ करने के लिए बहुत कुछ था। 2021 में नॉट ने CBS रिबूट करामा क्राइम ड्रामा सीरीज क्रामा में एक तरह से अभिनय किया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में फिल्मोग्राफी के बारे में और डिटेल में बताता हूँ। फिल्मोग्राफी इन्होंने अपने करियर में कौन कौन सी की, तो सबसे पहले कटर्स वे 1981, 1992 में सिमट्रेंस और 1986 में ऑफ बीट। साथ ही साथ बेबी बॉम 1997 और 1948 में प्लूडन डैम वेंटी। साथ ही साथ 1981 में बोजी एंड द हॉट। साथ ही साथ हॉर्जिन लेट द कॉल और द डेल्स और कुड ऑर्डन द हेड में भी ये देखने को मिली।
साथ ही साथ 8 एक्शन फॉर्डर 1999, साथ ही साथ द कटिंग क्लास 1989, साथ ही साथ 2001 में डबी पॉप द ग्लास हाउस 2001 और मिस्टर 30 2004, सेक्स एंड द सिटी 2008, जस्टिस लीग एंड क्रिस ऑन टू अर्थ 2010, साथ ही साथ लेवलियस 2014 और ए न्यूयॉर्क क्रिस वेडिंग 2020। साथ ही साथ टेलीविजन की बात की जाए तो टेलीविजन के अंदर मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिले थे। एक तरह से मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला इनका टेलीविजन शो था किलर बुक, एक तरह से इनकी सबसे पहली टेलीविजन भूमिकाओं में से एक थी। साथ ही साथ इसी के बाद इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और भी मोस्टर्स जैसे कई भूमिकाएं निभाई, और इसी के बाद डॉक्टर वू और द इक्वलर्स 21 से 22 तक ये देखने को मिली, और एंड जस्ट लाइक डैट 2021 में ये आपको देखने को मिली थी आखिरी बार। साथ ही साथ अवार्ड्स इन्होंने व्यूवर्स ऑफ द क्वालिटी टेलीविजन अवार्ड 1994, साथ ही साथ कई अवार्ड जीते और हाल ही में नॉर्थ फॉर्ग टीवी फेस्टिवल अवार्ड 2017 में अपने नाम किया था। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई, अब बात करते हैं एजिकियल डैन फ्लोरेक के बारे में। इनका जन्म 1 मई 1950 को हुआ, एक अमेरिकन अभिनेता और फिल्म निर्देशक है। उन्हें एनबीसी की लॉ एंड ऑर्डर और स्पिन ऑफ द लॉर्ड ऑफ आउटर स्पेस वीटीएन यूनिट में न्यूयॉर्क सिटी पुलिस कैप्टन गॉर्डन ब्रैंग और एलन लॉ 1948 से आपको ये 1983 तक मेरे की भूमिका में देखने को मिले हैं। इजी के टेर फ्लोर्स के अंदर 1 मई 1950 को इनका जन्म हुआ और आज इनकी उम्र लगभग 73 ईयर्स है, और रॉक मिशन यूएसए में हुआ, और इनके एक दूसरा नाम भी है डैन फ्लोरेक, इन्हें इसी नाम से जाना जाता है मेनली, जो कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले एजिकल डैन फ्लोरेक मुख्य रूप से एक अभिनेता हैं, फिल्म डायरेक्टर भी हैं और 1982 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। केरियन फ्लोरेस इनकी 1980 में पत्नी बनी। साथ ही साथ इजिकल डैन फ्लोरेस का जन्म फ्लैट रॉक मिशन में हुआ, जो एक हाइड वेद लीकॉन फ्लोर और डानी फ्लोरेस के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व मिशन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया जहाँ उन्होंने गणित और भौतिक में पढ़ाई की, लेकिन कभी स्नातक नहीं किया। थिएटर में अभिनय करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टर के बारे में जानते जानते हम और भी चीज़ें आपको बताते रहते हैं। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें डाल लेंगे। और अब हम बात कर रहे थे एक तरह से इस मूवी के अंदर, एक तरह से सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा उम्र के कलाकार, एक तरह से जिनका नाम है डेकर फ्लोरेक, इनके बारे में जान रहे थे। तो इनके बारे में हम जानते हैं इन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल की। एक तरह से फ्लोरेक ने 1980 के दशक की स्वीट पैड लेबरी मून ऑफ द पैडी में जैसे विभिन्न फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई है। इन्होंने द फिशन लाइव और एक्शन फिल्म स्थानांतर स्टीव में भूमिका निभाई है। साथ ही साथ इसी के साथ फ्लोरेस 1998 में भी एनबीसी की हिट ड्रामा एलटी में भी 22 एपिसोड में सुरसेन रेत की भूमिका निभाई है। साथ ही साथ फ्लोरेस ने 1985 के एपिसोड डैंग प्रायत में भूमिका निभाई है। साथ ही साथ इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में हम जान लेते हैं। तो मुख्य रूप से इनकी फिल्मोग्राफी एडी मैंकोस की, एक तरह से एडी मैंकोस रन 1983 में थी और स्वीट लिबर्ट 1996 में, साथ ही साथ एंग्ली हार्ट 1987 और पी कॉर्नेस 1998 में, साथ ही साथ 1989 इन एक्रोज मैन और फाइट ऑफ द एंड्री 1991 में, साथ ही साथ द प्लेटर्स 1984 और ब्यूटीफुल जोस 2000, साथ ही साथ लोअर ऑर्डर में 2002 में ये आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ इनका करियर एक तरह से बूस्ट हुआ। साथ ही साथ इसी के साथ मल्टीपल सीक्वेंस में लॉ एंड ऑर्डर स्कीम में देखने को मिले, अमेरिकन फ्लोरेस में देखने को मिले, और साथ ही साथ हाल ही में लॉ एंड ऑर्डर में भी देखने को मिल रहा है। अंडर द ड्रोन्स 2015 में भी देखने को मिले थे। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई, अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें। और अब हम बात कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर देखने वाले माइकल मॉरियर्टी, एक तरह से इनका दूसरा नाम भी है माइकल मोरियाटी,
दोनों एक तरह से पीछे का सरनेम एक तरह से चेन है। इनका जन्म 5 अप्रैल 1941 को हुआ। एक अमेरिकन कनाडियन अभिनेता है और जी संगीतकार है। 1988 की लघु श्रृंखला हेलोकॉस्ट में नजी एशियन अधिकारी के रूप में अमेरिकन टेलीविजन पर अपनी पहली भूमिका के लिए सुपर एमी पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। साथ ही 1975 में उनके प्रदर्शन के लिए गोल्डन पुरस्कार और नाटक घर पर रास्ता खोजा। उन्होंने टेलीविजन शो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पहले 4 सीजन 1990 से 1984 के कार्यकारी सहायक जिला और टेनबेज जिनमें सोन की भूमिका निभाई। साथ ही ड्राइव के गिरी पार्टी में बरिसन और रोकन्स के अंदर मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ 5 अप्रैल 1941 को इनका जन्म हुआ और इनकी उम्र लगभग 82 साल है। ड्रेडिन मिशन यूएसए में हुआ और मुख्य रूप से ये एक डिग्रीड विश्वविद्यालय जीशन हाई स्कूल से ग्रेजुएट है। डार्क माउंट कॉलेज ऑफ बीएसए 1996 और लंदन संगीत एवं नाटकीय कला अकादमिक में ही ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और 1971 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में देखने को मिले हैं। ओटोन अर्टन 1974 और गोल्डन ग्लोबर अवार्ड 1989 और एमी अवार्ड 1974 से 1948 तक देखने को एक जैसे पुरस्कार मिले हैं। और साथ ही साथ माइकल मोडियन का जन्म 5 अप्रैल 1931 को डेट्यून मिशन में हुआ। पीलो पोन्स और जोजन मेटिन के सर्जन के पुत्र हैं। इनके दादा जॉन मेटिन लगभग 40 वर्षों तक मेजर लीग में बेसबॉल में तीसरे बैक्शन ओपनर्स के मैचर थे और मोर्टिन ने 1980 के स्नातक होने के बाद डेविड विश्वविद्यालय में जूसेट हाई स्कूल में स्नातक होने से पहले ब्लूबिन हिस्से में कैनबिन स्कूल में मीडिया स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने डार्क हाउस कॉलेज में मैट्रिक किया जहाँ वे एक थिएटर कॉलेज के प्रमुख थे। और 1983 से कला स्नातक के लिए डिग्री प्राप्त करने के बाद वे लंदन इंग्लैंड चले गए। और साथ ही साथ प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात करें तो फिल्मों में प्रसिद्धता पाने से पहले मोरपिट ने मियोपोलिस के कुटीर थिएटर में एक अभिनेता के रूप में कई वर्षों तक काम किया और बैग एंड ट्रेम स्पोन में सह कलाकारी हेरन रिगोन के रूप में चुना गया था और जिसमें रॉबर्ट डी नोरे के धीमी गति से पकड़ने वाले व्यक्ति के रूप में लिए गए जो कि असाध्य के रूप में बीमार हो गए थे। उसकी वर्षे मॉर्टन के थर्मप्रिंट के साथ ट्रीशियन विलेज में देखने को मिले। साथ ही साथ द कोल्स मैग्रोस में भी अभिनय किया। साथ ही साथ इसी के साथ रिपोर्ट टू द कमीशन में नोशन जैसुन और ब्लूग्लेस के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। मोरपिट और फाइनेसियोर वे होम नाटक में अपने प्रदर्शन के लिए 1974 में 9 टोनी पुरस्कार जीता और स्क्रीन पर उनका करियर धीरे धीरे विकसित हुआ जबकि उनका थिएटर करियर फल फूल रहा था। और उन्होंने टेलीविजन लघु श्रृंखला होल कोस्ट में जर्मन अधिकारी आरपेंटिव की प्रमुख भूमिका निभाई जिसमें उन्हें एक और एमी मिला। और 1980 के दशक के दौरान मोरपिट ने लोकिन हैंस के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। 1989 में मोरपिट ने एचपी प्रोडक्शन टार्सन ब्रिन में द कोरियन स्पॉन्ड जेटिन में अभिनय किया। और 1990 से 1984 तक मोरपिट ने लो एंड ऑर्डर में बेनियन स्टीफन के रूप में अभिनय किया। साथ ही साथ उन्होंने 1984 में यह आरोप लगाते हुए शो छोड़ दिया कि उनका जान एक तरह से तत्कालीन और टेंशन ऑस्टिन के खिलाफ मुकदमे में धमकी का परिणाम था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से 1994 से अपने मामले की गवाही की हत्या के बाद डिशन करे में इस्तीफा देते हुए नजर आए। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया। लॉर्ड एडन छोटे होने के कुछ ही समय बाद मोर्टिन खुद में राजनीतिक निगम में घोषित करते हुए कनाडा चले गए थे। और इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। माय ऑर्डर मैंस प्लेस 1971 साथ ही साथ हैंकिंग एज द डॉग 1972। तो दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और भी कई डिटेल हैं अपडेट हैं सारी की सारी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों उससे पहले आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में भी हमने एक तरह से बता दिया था फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो।
तो दोस्तों इनकी जो फिल्मोग्राफी है, माई ओल्ड मैन प्लेस 1971 सबसे पहले और सबसे आगे मैं बता देता हूँ इनकी। अभी हाल ही में एक तरह से देखने को मिलने वाले द सन्स ऑफ समर में, अपकमिंग ये है, अभी तक रिलीज नहीं हुई है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं रिच ब्रूक्सन के बारे में, जो सीरीज में आपको देखने को मिले हैं। एक अमेरिकन अभिनेता, सिंगर और एक डायरेक्टर हैं। इन्होंने 1990 से 1983 में NBC ड्रामा सीरीज लो एंड ऑर्डर में स्पेन वोटिन और स्पेन की एक इनाम एक तरह से शिकारी जुबिन एलियन और सहायक जिला ऑर्टन पोनस्टीन की भूमिका निभाई हैं। 2003 में उन्होंने BET ड्रामा सीरीज बिंगी मैरी जैन में पेटली पर्टेंस के रूप में अपना अभिनय करियर शुरू किया। रिचर्ड एल ब्रूस इनका पूरा नाम है। 9 दिसंबर 1963 को इनका जन्म हुआ और इनकी उम्र महज 60 साल है। वीकलैंड ओशियन संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे और साथ ही साथ एक अभिनेता, सिंगर और डायरेक्टर हैं। 1983 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में देखने को मिले हैं। क्लीवलैंड ओंस में जन्मे और बड़े बड़े ब्रूक्सन ने मिशन में इंटरलूज एकेडमी ऑफ आर्ट में अभिनय किया, नृत्य और आवाज़ के काम पर अध्ययन किया। बाद में वह न्यूयॉर्क शहर चली गई और स्पिन फंक्शन में थिएटर स्कूल में सर्कल के चित्र थे। साथ ही साथ न्यूयॉर्क शहर में ब्रूक ने यूजिन ऑलनियर थिएटर कैलिफोर्निया में अगस्त विल्सन मिशन में प्रोडक्शन में प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सकारात्मक प्रतिष्ठा मिली। इसके बाद लॉस एंजेलिस जाने पर अभिनय नेस्टिन ब्यूजन और द रूशन में कॉलगन टेलीविजन भूमिकाओं के साथ बैक ऑफ द ओशन 1985 में बने गया। 1990 के दशक के दौरान उनकी अधिकांश लोकप्रियता एक तरह से लो एंड ऑर्डर में पॉल वेड की भूमिकाओं से उभरी और 1986 में कल्लाई की भूमिका निभाने के बाद ब्रूसन ने निर्देशन में अपना हाथ आजमाने का विकल्प चुना और इसका परिणाम जॉन बी गुट 1988 थी। और 1999 से 2001 में उन्होंने NBI ब्यूटी में अंतिम भूमिका निभाई और वो कर कुछ विज्ञापनों में प्रशंसकों को जोस वेडियन और फर्डवन में उनकी उपस्थिति के लिए भी जाना गया। उन अपने फिल्म काम के अलावा ब्रूक्स ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी फ्लैग टॉप एंटरटेनमेंट LLC की भूमिका स्थापना की और मार्च 2021 में ब्रूक्स ने न्यूयॉर्क के रोचन में गोवा थिएटर सेंटर में अगस्त विल्सन द्वारा लिखित रोडियो कुल्फन में फॉर्मेट ब्लेस की भूमिका निभाई। उन्होंने 2013 में PBS श्रृंखला द एबडन फेस्टिवल डॉन्स की भूमिका निभाई और ब्रूक ने BIT मूल श्रृंखला विंग्स मेरी जैन में पैटी की भूमिका निभाई। इसका प्रीमियम 2 जुलाई 2013 को हुआ। ब्रूक ने प्रोसन और इटेड सीजन 3 और द डिवन एशियन में लीड मार्पलोज की भूमिका निभाई और ब्रूकस ने द फ्लेक्स के सीजन 4 में अवार्ड ग्रीशन अवार्ड की भूमिका निभाई और सो ब्रूस के लिए सीजन 5 से 6 में अवार्ड विजन की भूमिका निभाते हुए नजर आए। और साथ ही साथ ब्रूक ने UMC नेटवर्क कॉमेडी द रिचर एंड द रूथलेस 2017 से वर्तमान तक देखने को मिले। और फिल्मोग्राफी के बारे में बात करी जाए तो विथ इंटरल टू किल 1984 और टीन्स वॉल्फ 1995 और ब्रिटन ऑफ द एशियन 1985, रेस्टिंग पैलेस 1996, गुड ऑफ टू गो 1986, इसी के साथ 1988 में सेक्शन ऑफ द लिमिट्स, साथ ही साथ सोकर 1989 और टू स्लिप विथ एंगर्स 1990, साथ ही साथ चैडलोस 1995 और द क्रूप सिटी इन द एंगल 1986 में ये देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों द वेडिंग्स में यह मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले और लिक्शन 2004 और ऑफर डाउन 2013 में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। टेलीविजन्स की बात की जाए तो हिल स्टीन ब्लूज 1983 और स्पोनर्स 1948 ऑफ ईयर और टून ऑफ द ड्यूटी 1989 और लो एस ऑर्डर 1990 से लेकर 2006 तक देखने को मिले। DGS मर्डर 1994, साथ ही साथ WWE रैप्स में 1999 में जुग दी एमी और डेड मोस्ट और फिली फ्लाई 2002, स्किनर और साथ ही साथ ली टू मी और चार्ली एंग्लिस 2011 और प्रोशन ऑफ द इंटेंशन और ग्लीज में 2015 और द कोड वाइफ 2016, चेग्रो जस्टिस 2016, द फ्लैश 2017 से 18 तक और द ब्लैक लिस्ट 2019, साथ ही साथ बोक्रेस 2019
2019 से 2020 तक साथ ही साथ है। जिक्रोनस पीडी और एब्यूट एलेक्ट्यूमेंस 2022 में भी ये देखने को मिल चुके हैं। और अवार्ड्स की बात की जाए तो डेथ इन एमी अवार्ड 2018 में इन्होंने जीता। साथ ही साथ दोस्तों अब अगले कलाकार के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है स्टीवन हिल। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत पुराने एक एक्टर हैं। 1982 से 30 अगस्त 2016 तक ये काम करते हुए नजर आए। इसके बाद इन्होंने इस इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। साथ ही साथ अब अगले करेक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिले हैं और साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य भूमिकाओं में भी देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एस एप्था मार्सन के बारे में। 28 नवंबर 1952 से इस इंडस्ट्री में एक तरह से जन्मी इस इंडस्ट्री में और इनका इंडस्ट्री में जो वर्क चालू हुआ 1983 से पहले से हुआ। एक अमेरिकन अभिनेत्री है, इन्हें अपने काम के लिए प्रसिद्धि हासिल की। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 1993 से 2010 तक निभाई श्रृंखला के 388 एपिसोड में दिखे। उन्होंने रेबा द मेल डेटी का किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं। नवंबर 2015 में श्रृंखला का प्रीमियम के बाद CNBC ड्रामा मेडिकल ड्रामा शिकागो मेडफ्लिक्स में भूमिकाओं में देखने को मिले। सोंडस एथर मार्गस 28 नवंबर 1952 को इनका जन्म हुआ और इनकी उम्र 70 साल है। साथ ही साथ 1986 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में देखने को मिली है। मार्सन का जन्म मिशिगन और सोरगिनसर भारत में हुआ और इनका पालन पोषण डेटोन में हुआ। वे अपनी माँ के एनएन द्वारा पाले गए 5 बच्चों में से सबसे छोटी थी। साथ ही साथ दोस्तों इनकी स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो मार्कल्स 5 फरवरी 2019 में सीजन 5 के 5 एपिसोडों में हेनरी लुइड गोर्डन्स की टेलीविजन श्रृंखला फाइटिंग वॉर यूटर्न में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि वह इंसोनी और 272 गुलाम लोगों में से 8 अन्य लोगों की वंशज थी जिन्हें बेच दिया गया था। 1938 में जीशन ब्रिन ने जीशन दासों की बिक्री की और साथ ही साथ जेसन द्वारा संचालित जोर्ड कॉलेज ऑफ जोर्टन में विश्वविद्यालय में ऋणों का भुगतान किया। साथ ही साथ इनके वर्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 1986 में सी गोट हैवन इट डॉक्टर जैस्मिन के रूप में और 1990 में जूसन कॉन्सन ऑफ रेचन के रूप में, 1990 में ऑब्डिन लेबर्ट एलसी के रूप में। साथ ही साथ और भी कई भूमिका है, रेडियो 2003 में मैजिक्स के रूप में और डॉक्टर के रूप में जीशन कर्ल 2004 में और रेचन नियरबीस लोकपन ब्लूस 2005 में, ब्लिक स्नेक मोन्स 2006 में एंगल्स के रूप में, ईफा द सिक्स विंस ऑफ द हेनरी लिफली 2009 में, मदर एंड द चाइल्ड 2009 में और साथ ही साथ इक्लोन्स 2012 में और टाइप्रिटी प्रेशन पेपर्स 2013 से देखने को मिले और ईयर बाय द सी डीजी 2016 में। साथ ही साथ प्री बैच ऑफ द प्यूरस 1986 से 1990 तक और 1948 में कोपसी सोच 1988 में देखने को मिले। वैन एस मैकनीस 1992 में, साथ ही साथ ही एंड द नाउ 1982 से 1983 में ये देखने को मिले। साथ ही साथ एक गर्ल थिंग्स 2001 और लो एस ऑर्डर एकेडमी इंटरनेट 2002 में लो एस ऑर्डर थ्रिलर बैजोनी 2005 और साथ ही साथ लॉकडाउन ब्लूज में भी आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ पोके फेस 2030 में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली थी। तो दोस्तों इसके बारे में जितनी भी अपडेट थी डिटेल मैंने बता दी और साथ ही साथ ये सीरीज एक तरह से आपको कई बार देखने को मिल चुकी है जिनके अंदर प्रोडक्शन के रूप में और आखिरी में पर एपिसोड लेंथ में बताऊँ तो इस सीरीज की 40 से 48 मिनट हैं और प्रोडक्शन कंपनी अभी हाल ही में सेक्शन 18 से 20 तक आपको यूनिवर्स मीडियन स्टूडियोज देखने को मिली। साथ ही साथ ये आपको एक तरह से ओरिजिनल नेटवर्क NBC पर देखने को मिलेगी और ओरिजिनल 13 सितंबर 1990 से अभी तक देखने को मिल रही है, यानी इतनी तगड़ी टोटल मिलाकर 440 एपिसोड इस सीरीज के आ चुके हैं और बरकरार लोगों द्वारा इसे देखा जा रहा है। साथ ही साथ इसकी हाइप भी बहुत ही तगड़ी है और अवार्ड्स इस सीरीज ने कई जीते, जैसा कि मैं बड़े बड़े अवार्ड आपको बता देता हूँ। लो एंड ऑर्डर हैज़ बीन नॉटेन न्यूशियन अवार्ड जीता, साथ ही साथ प्रीशियन एमी अवार्ड और एंग्री अवार्ड, साथ ही साथ #24 ऑफ द टीवी गाइड ग्रिस्टेन टीवी शो अवार्ड, साथ ही साथ टीवी गाइड अवार्ड 2013।
साथ ही साथ दोस्तों इन सभी कैरेक्टर के बारे में से सीरीज के बारे में पूरी डिटेल मैंने बता दी है। यदि आपको और भी कुछ चीज़ पूछनी हो सीरीज के बारे में या पिछली सीरीज के बारे में तो कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस हॉरर सीरीज के बारे में जाना। कॉमेडी तो आपको भरपूर देखने को मिलती है, एपिसोड जैसे कि मैंने बताया एक्सप्लेन किया, उनकी मोटी मोटी डिटेल बता दी। यदि आपको पर एपिसोड पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर दे, हम पर एपिसोड पर वीडियो लेकर आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज के बारे में एक्सप्लेन की, रिव्यू किया, साथ ही साथ फैक्ट और अपडेट डिटेल सारी कुछ डिटेल मैंने बताई। आपको ऐसे ही और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में अपडेट जाननी हो, चाहे वो रिलीज़ होने वाली हो चाहे रिलीज़ हो चुकी हो, सभी के अपडेट एक्सप्लेन फैक्ट की वीडियो हम लाते रहते हैं, तो इन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आज की वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में जाना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।